told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue hey everyone माइ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल माई होम हैक्स आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर में वेस्ट पड़ा रहता है ना उनको कैसे रीयूज़ किया जाए और कैसे सारे घर को ऑर्गेनाइज किया जाए सुंदर सा बनाया जाए वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सो so चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को सो so यहाँ पर मैंने निकाले हैं कुछ ग्रॉसरी बैग्स जो हमारे पास आ ही जाते हैं तो मैं बस वही देख रही थी क्या क्या किचन में पड़ा है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ किचन में ही रखती हूँ एक बास्केट जिसमें रहता है क्राफ्ट से रिलेटेड सामान इस वाली ड्रॉर में सारा ऐसा ही सामान रहता है जो मुझे बेस्ट मिलता है ना इसमें डालती जाती हूँ तो वही सारा भरा पड़ा साथ ही क्राफ्ट का सामान रहता है तो मैं चली बास्केट लेके और बनाऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनेंगी तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है एंड उसको राउंड शेप में काट लिया है थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए मैंने तीन शेप काटे हैं एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर दिए हैं स्टिक के लिए मैं फेवी फैवीवॉन फेविक्विक फेवी स्टिक का ही यूज़ करती हूँ एंड उसके ऊपर वॉल पेपर लगा दिया है वॉल पेपर नहीं है तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं एंड कोई भी गिफ्ट रैप पेपर काफ़ी यूज़ कर सकते हैं एंड होल बीच में किया था कि मैं होल होल्डर uh, एक फ़िक्स कर सकूं और इसके अंदर डालूंगी वायर और होल्डर में करूंगी फ़िक्स ताकि बल्ब मेरा जल सके इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके तीन बोतल के कैप लिए हैं ताकि नीचे से उसके भी भाई पैर बन जाए तो इसको भी आराम से इसी चीज़ से स्टिक कर लेंगे ग्लूगन से भी जल्दी से स्टिक हो जाता है बट मुझे कैसे लगता है ना ग्लूगन गरम करो फिर स्टिक करो तो मैंने जल्दी से इसी से कर देती हूँ इसके बाद मैं लेकर आई थी इस तरह की मैट जो फ्रिज मैट या डाइनिंग टेबल मैट्स होती हैं ना उनको लिया था कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था एक पड़ी थी मेरे पास रिंग जो कपड़े फँसाने वाली होती है इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई तो इसको लिया छोटे बड़े साइज का ले सकते हैं मैट तो काफ़ी बड़ी है तो इसको डबल फोल्ड करना पड़ेगा तो ऐसे मैं फ़ोल्ड करके फ़िक्स कर दूंगी इसमें फंस जाता है ना तो चिपकाने की ज़रूरत होती है ना ही कुछ लगाने की ज़रूरत होती है तो ऐसे मैंने फ़िक्स कर दिया है इसको राउंड शेप में ऊपर से, से पार्ट थोड़ा ओपन है तो डबल साइडेड टेप से इस्ट, स्टिक कर दिया है पाँच मिनट में बनने वाला ये क्राफ्ट है और ज़रूर अगर आपके पास ऐसे पड़े हैं ना तो आप ज़रूर यूज़ करिए इसको भी मैंने स्टिक कर दिया है अच्छे से और लिया है ज़ीरो वाट का बल्ब और ये देखिए सुंदर सी दस मिनट में बनने वाली मेरी टेबल लैंप तैयार हो गई है आप इसको कहीं पर भी साइड टेबल साइड टेबल पर यूज़ किए करिए कहीं पर भी करिए जीरो वाट के बल्ब से ये रोशनी भी देगी और अच्छी भी लगेगी इस तरह के बल्ब आप बॉल हैंगिंग मतलब ऊपर लटकाने वाली जो डी आई लैंप होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं तो कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताइएगा मुझे तो सच में चलते हैं नेक्स्ट डी पे तो मैंने यहां पर एक आ। टल लिया है और ये पहले भी मैं यूज़ किया करती थी और पहले जब मैंने इसका शेयर किया था तो काफ़ी लोग कह रहे थे गिर के फूट जाएगा तो मैं दो साल से इसको यूज़ कर रही हूँ अभी तक ये फूटा ही नहीं बेचारा अभी भी चल रहा है तो मैं यहाँ पर भी इसको उठा के ले आई इसके ऊपर पहले कागज़ वाला गिफ्ट रैप बना लगाया था और बट अब मैंने और इसको जहाँ पर मुझे यूज़ करना है उसके लिए ज़रूरी है कि कोई वाटर प्रूफ हो तो मैंने ये बॉल पेपर यहाँ पर यूज़ कर लिया और इसको अच्छे से लगा दिया आपके पास टाइल की जगह अगर कोई प्लाई का टुकड़ा हो ना तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं और देखिए मैंने सिंक एरिया के पास कोई भी यहाँ पर सेल्फ नहीं थी और मुझे तो सेल्फ चाहिए थी तो मैंने डी कर ली और यहाँ पर इसको और लगा दिया है बहुत अच्छे से यहाँ पर लग गई है और क्योंकि वॉल पेपर मैंने यूज़ किया है तो गीला भी होता रहेगा तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आराम से साफ हो जाएगा अगर वॉल पेपर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथन आप इसके ऊपर रख सकते हैं यहाँ पर अपना ज़रूरत का सामान मैं रख लूँगी जो सिंक एरिया था वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है अगर आपको ओपन नहीं रखने हैं तो एक बास्केट लीजिए ताकि क्लीनिंग में आसानी हो और इसको आप इसके ऊपर रख दीजिए बहुत ही अच्छा और यूज़फुल आइडिया है आप ज़रूर ट्राई करिएगा नेक्स्ट डी आई वाई पर चलते हैं तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ग्रॉसरी बैग्स बहुत सारे ये वाले वाइट कलर वाले मेरे घर पे आ हाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ फिलहाल अभी एक ही आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास बेस्ट प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा था उसको मैंने ले लिया है इसको कट करूँगी लम्बे में ताकि ये प्लास्टिक का डिब्बा है न जो कवर हो सके और जैसे हम लोग जूठ का यूज़ करते हैं ना सेम वही पैटर्न इससे आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैंने उसी साइज़ के अकॉर्डिंग काट लिया है और यहाँ पर फिर से मैं फेवी स्टिक से इसको अच्छे से कवर कर दूँगी और प्लास्टिक डिब्बा क्योंकि ये बेस्ट पड़ा था इसके ऊपर का कवर ख़राब हो गया है तो मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया अगर आपका जूट का फैब्रिक है ना तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं कोई और फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं बट ये बेस्ट ही था क्योंकि ग्रॉसरी बैग और अब बहुत सारे आ जाते हैं तो कब तक इनको यूज़ किया जाए तो मैं ऐसे ही डी में इनको यूज़ कर लेती हूँ और ये लुक बहुत अच्छे होते हैं इनमें आप इजीली पेंटिंग कर सकते हैं कोई भी बड़े प्लांटर में इसको यूज कर सकते हैं कोई भी चीज़ इससे कवर की जा सकती है और लुक ना इतना अच्छा आता है तो मैंने पूरा ही अच्छे से कवर कर दिया है बहुत नीडली और यहाँ पर जूट रोप का मैं यूज़ कर रही हूँ ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैं जूट रोप को लगा दूँगी ट्रोप लगाने के बाद क्योंकि ये अब थोड़ा सा खाली लग रहा था तो कोई भी आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं कोई भी फ्लावर वगैरह पेंटिंग कर सकते हैं इस पर और इस कपड़े पे ना पेंटिंग भी ईजिली हो जाती है तो मैंने लिखा है भाई प्लास्टिक को थ्रो मत करिए इनको यूज़ करिए तो मैं प्लास्टिक बेस्ट जो होता है ना उनको हमेशा ही रीयूज़ करती हूँ बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ और घर में सुंदर सुंदर से ऑर्गेनाइज़र प्लांटर बहुत सारे मैं बनाती रहती हूँ तो प्रीवियस वीडियो में मैं काफ़ी प्लास्टिक वाली डी वाइस शेयर की है तो वो ज़रूर देखिएगा और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा बिल्कुल अच्छे से लगेगा बड़ा कंटेनर है तो चीज़ें भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आप ये बेड साइड में या किसी भी चीज़ को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अगर ऐसे आपको यूज़ नहीं करना है तो इसे एज आ प्लांटर आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये प्लांटर रख देंगे कोई भी प्लांट तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा

और इसको मैं हैंगिंग की तरह ही यूज़ कर सकती हूँ इसको कहीं पर भी लटका दो तो जो लंबे पौधे होते हैं ना नीचे तक उनकी लीप्स जाती हैं तो वहाँ पर इनको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है तो मैंने एक कील यहाँ पर लगी हुई थी उस पर इसको हैंग कर दिया है और इस पर हम कोई भी प्लांटर रख सकते हैं बहुत अच्छे से हाइट पर रहेगा और कोई ऐसे जैसे लीव्स है ना लंबी प्लांटर की वो बहुत सुंदर लगेंगी अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं था बट मैं आप लोगों के पास है तो ज़रूर यूज़ करिएगा इस आइडिया को तो कोई भी बॉल का कॉर्नर या बॉल आपकी अच्छे से डेकोरेट हो जाएगी ओके okay, दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो और मेरे आइडियाज़ जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक भी करिएगा और ये रहे कुछ और मेरे डी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा काफ़ी सुंदर सुंदर हैं और आपको काफ़ी पसंद भी आएंगे बिल्कुल बेस्ट मटीरियल्स हैं चलो अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ही मिलूंगी तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय टाटा एंड टेक केयर